हाय गाइस, वेलकम टू ग्लैमरस ठिकानों से। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीको टर्मरिक मॉइस्चराइजिंग लोशन का रिव्यू। अगर आपकी स्किन पर भी एक्ने या पिंपल जैसी प्रॉब्लम रहती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो किस तरीके से वीको टर्मरिक का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा और आपकी स्किन की अगर एक्ने या पिंपल जैसी प्रॉब्लम है उससे भी आपकी स्किन को क्योर करेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर है वीको टर्मरिक का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन। अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो 80 रुपीज़ में हमें कुछ इतना अमाउंट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, बैक साइड में सभी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन की हुई मिल जाएंगी, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा वाउंड या एक्ने जैसी प्रॉब्लम है तो भी आपकी स्किन को क्योर करके रखता है। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है और आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप वीको टर्मरिक का ये मॉइस्चराइजिंग लोशन एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज में हमें मिल जाता है, यानी कि 80 रुपीज़ में आपको इतना अमाउंट इसका मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर और कंसिस्टेंसी के बारे में। अगेन, सो अगर हम यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो येलो थिक क्रीमी कंसिस्टेंसी में हमें ये क्रीम मिलती है, जो ना तो सिर्फ हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके रखेगी, बल्कि अगर आपकी स्किन पर एक्ने या पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो ये उसको भी क्योर करके रखेगी। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके का वाउंड है या फिर बर्न हो चुका है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कूलिंग सेंसेशन इसके अंदर मुझे महसूस हो रही है, और साथ में ही अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है तो डेफिनेटली विंटर्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज समर में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके की एक्ने या पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आप इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। ये डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर वीको की और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन पे भी क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को किस स्किन टाइप पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है तो आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो ये आपकी स्किन को ना तो सिर्फ हाइड्रेट करके रखेगा बल्कि उसको मॉइस्चराइज करके रखेगा 6 to 7 आवर्स तक। और इसी के साथ अगर आपकी स्किन पर एक्ने या पिंपल जैसी प्रॉब्लम है और आप कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले डरते हैं, और ये ऑब्वियस है अगर किसी की स्किन पर एक्ने या पिंपल जैसी प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसा ही प्रोडक्ट देखते हैं जो हमारी स्किन को किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुंचाए, तो आप ये वीको टर्मरिक की क्रीम जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और ये विंटर्स में तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती, बट विच आई फील अगर आप इसको समर में अप्लाई करेंगे तो हल्की सी स्टिकी आपको महसूस होगी। सो फ्रेंड्स, ज्यादा अमाउंट की हमें जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही अमाउंट हमें इसका अप्लाई करना होगा एंड डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो करेगी, हाइड्रेट रहेगी और मॉइस्चराइज रहेगी, और एक्ने और पिंपल्स स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। एंड सो फ्रेंड्स, वीको टर्मरिक के इस मॉइस्चराइजिंग लोशन का एक बेनिफिट और मुझे लगा, अगर आप अपने मेकअप को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, शाइनियर बनाना चाहते हैं, तो सो मेकअप करने से पहले इस मॉइस्चराइजर को आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग एंड शाइनियर दिखेगी। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी के साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहां पर उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।